सुलमान साहब के घर बसंत मेले पे आए हैं और यहाँ हमारे साथ मलिक साहब हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, सुलेमान मलिक नाम है मेरा और ये मैं मेला हर साल करवाता हूँ। पीछे एक दो साल बीच में गैप आ गया था और इसमें स्पेशल जो मेरे खासकर हेल्पफुल मेरी वाइफ है, जो इसमें पूरा तावन करती है और इसको सक्सेस बनाती है, क्योंकि शी डिड ए हार्ड वर्क फॉर अ होल वीक। इसमें माय डॉटर माहा, ये मेरी अच्छी बच्ची, ये सबसे ज़्यादा काम करती है। ये मेरा बेटा है सलमान, होल फैमिली डिड ए लॉट ऑफ वर्क, यू कैन सी ऑन द टीवी, आई कैन से एनीथिंग। थैंक यू। अभी आपने इंटरव्यू देखा मलिक सलमान साहब का उनकी ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है बसंत जी? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे के बाद यहाँ पे बसंत मनाने का मौका मिल रहा है। हमने सुना था पहले यहाँ पे बसंत मनाते हैं, आज देखने को मिल गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे पतंगे उड़ रही है, ये अभी पीछे लगने वाले हैं, यहाँ पे कट गई। तो कितने अर्से बाद आप बसंत को देख रहे हैं? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद, तो बहुत लंबा टाइम है। पाकिस्तान में तो बंद हो गई है? पाकिस्तान में हाँ जी सुना, लाहौर में बंद हो गई है। हाँ, तो आप फिर इधर ही प्रोग्राम शुरू करेंगे आप लोग? अब तो इधर ही होपफुल इंशाल्लाह यहीं पे उड़ाएंगे हर साल। हर साल और हर जब जितना जल्दी महीने में 2 दफा उड़ानी उड़ा सकते हैं उड़ा लेंगे। जा रहे हैं सब लोग इकट्ठे होके मजे कर रहे हैं, वही है, अच्छी बात है। कितने साल बाद पतंगबाजी कर रहे हैं आप? मैं 8 साल बाद। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है, अभी शुरुआत करेंगे। और जबरदस्त है जी, 3 साल बाद उड़ी उड़ाई है। 3 साल मजा आ रहा है जी, काफी मजा आ रहा है। बसंत कितने से बात कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल बाद। तो उससे पहले कहाँ की थी 3 साल पहले? पाकिस्तान। पाकिस्तान में की थी? हाँ जी, पर तब पाबंदी थी तो कम उड़ाई थी। अच्छा, छुप के उड़ा ली थी? हाँ जी हाँ जी। पुलिस वगैरह ने पकड़ा था? नहीं। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा फिर तो बहुत लगती है। हाँ जी, चले थैंक यू। वो जो बॉलिंग कराता है कि आप तो पतंगे उड़ा रहे हैं? बस चेंज कर लिया, प्रोफेशन चेंज कर लिया। हाँ जी। तो आप पतंग उड़ा रहे हैं कि गुड्डी उड़ा रहे हैं कि गुड्डा उड़ा रहे हैं? गुड्डा उड़ा रहे हैं। गुड्डा उड़ा रहे हैं। तो आप कहाँ से? पाकिस्तान से आए हैं? पाकिस्तान से, लाहौर से। लाहौर से आए? ये सारे लगता है लाहौर के लोग आते रहे, आप तो नहीं उड़ाएंगे, शौक है आए हैं। अब बच्चे उड़ाएंगे? बच्चे उड़ाएंगे। चले थैंक यू। आपका नाम? सफदर। सफदर, आपको भी शौक है पतंगे उड़ाने का? देखने का शौक है जी। तो आप क्राउड के अंदर बैठेंगे और क्लैपिंग करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। चलें वेरी गुड, एंजॉय कीजिए। तो आप देखने वालों में से? इधर चले। हाँ जी, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, कैसे? आपका नाम? मेरा नाम है मोइन खान। मोइन खान, मोइन खान जो वो जो विकेट कीपर था क्रिकेट टीम में के वो मेरा छोटा शागिर्द, छोटा शागिर्द था। तो उसका मतलब आप भी क्रिकेट खेलते रहे? मैं भी क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो पतंगे उड़ा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनवर खान। अनवर खान, आप मुझे लगता है कि बहुत बड़े को हॉकी के प्लेयर लगते हैं पाकिस्तान के, जो मर्जी से सब चीज़ों का प्लेयर, सब चीज़ों का। तो माशाल्लाह आप यहाँ पे पतंग का प्लेयर नहीं हूँ, पतंग का मैं फ़ैन हूँ, देख तो शौकीन हूँ देखने का। तो आप भी उड़ाते हैं? सारे फ्रेंड न्यूयॉर्क से, न्यूजर्सी से, पेंसिल्वेनिया से आए हैं। आई होप एवरीबॉडी हैव अ गुड डे एंड दे विल एंजॉय। हम यहाँ पे मलिक साहब को मलिक बसंत फेस्टिवल पे इन्वाइटेड हैं
और हमने काफी एंजॉय किया है, काफी गेम शो हो रही है और बड़ा अच्छा वेदर है और बड़ी अच्छी पतंगबाजी हो रही है, तो इस तरह की इवेंट होनी चाहिए, सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, पतंग उड़ाने के लिए आए हैं। कम से कम मैंने तो 15 साल के बाद पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ऊपर उड़ रही है कि नहीं उड़ती है। पतंग उड़ानी आती है ना, कन्नी देनी आती है। पतंग उड़ानी आती है ना, कन्नी देनी आती है। बातें चाहे कितनी सुन लो, बड़ी बनानी आती है। अरे गुब्बारा उड़ा ले, गुब्बारा उड़ा ले। ढंग में तुम डालो ढंग, तेरी मेरी हो जाए ना जंग। ढंग में तुम डालो ढंग, तेरी मेरी हो जाए ना जंग। ज्यादा हो जाए तो ठंडा पियो, लो मजा जिंदगी का हम मिलके जियो। मजा जिंदगी का लो मिलके जियो, टेंशन ज्यादा हो जाए तो ठंडा पियो। मजा जिंदगी का लो मिलके जियो, मजा जिंदगी का लो मिलके जियो। अबे छोड़ ना यार, से समथिंग अबाउट प्यार। जिंदगी का लो मिलके जियो, मजा जिंदगी का लो मिल
सज्जन तेरी नाल गुड्डी अड़ गई गुड्डी दे बहाने साडी अख लड़ गई होए सज्जन तेरी नाल गुड्डी अड़ गई गुड्डी दे बहाने साडी अख लड़ गई चन जे मुख दा नजारा तकया हो पहली बार तकया चुन विच तकया पावे दिल मेरा रज रज शोर हाय नी सानू सक लैण दे नी मुख सानू तक लैण दे असा तकया ना जिदरे होर हाय नी सानू तक लैण दे कद चन नू जिवें चकोर हाय नी सानू तक लैण दे सजनत तेरी नाल गुड्डी अड़ गई ओ गुड्डी दे बहाने साडी अख लड़ गई चन जे मुख दा नजारा तकया हो पहली बार तकया हो चुन विच तकया पाव दिल मेरा रज रज शोर हाय नी सानू तक लैण दे नी मुख सोना तक लैण दे ऐसा तकिया ना किधरे होर हाय नी सानू तक लैण दे कर चन नू जिवें चकोर हाय नी सानू तक लैण दे साल पतंगों को हाथ 10-12 साल के बाद पतंग को हाथ लगाया है सो अभी तक कटे नहीं है क्योंकि मैंने अभी हमसे उड़ी नहीं है हवा ही नहीं चल रही अभी तक बट इट्स वंडरफुल इट्स अमेजिंग टू सी समवन सो इन टच विद द कल्चर बैक होम आई मीन दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग के यू नो इम्पोर्टिंग ऑल दिस स्टफ फ्रॉम देयर एंड जस्ट यू नो हैविंग इट अवेलेबल फॉर पीपल टू एंजॉय एंड ऑल दैट एंड It gives you some sort of like that nostalgic feeling के हाँ भाई ये सब हम करते होते थे this was our culture it's banned now back home क्या करें but we are happy that at least it's not banned in our hearts that's all